हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हम इस कहानी में देखेंगे एक एरोगेंट सीईओ को एक क्यूट लड़की से प्यार हो जाता है हम देखते हैं टियान को जो हमारी फीमेल लीड रहती है इस कहानी की जो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए स्कूल जा रही थी तभी उसकी फ्रेंड को मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है नोटिफिकेशन में ये रहता है की एक कंपनी का सीईओ जो हमारा मेन लीड रहता है इस कहानी का जिंग वो किसी लड़की का बैग का बैग का पेंटिंग बनाकर वो सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया था

और लिखा रहता है कि यह पेंटिंग देखकर अगर तुम्हें याद आ गई हो तो तुम मुझे एक दिन के अंदर आकर मिलो अगर तुम नहीं आये मिलने के लिए तो इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा टी तुम्हारा सी सीओ लबर्ट जिन टियान जब बैग की पेंटिंग देखती है तो सरप्राइज होती है बोलती अरे यार तो फिर हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है की टियान ड्रम करके इधर उधर जा रही थी तभी हमारा मेनली जीन को देखते है की एक लड़की को अपने से दूर कर रहा था और उसको बोल रहा था की अब मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है अटियान उस लड़की का पक्ष लेकर उसे लड़ाई करने लगा है जियान से कि तुम किसी भी लड़की के ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो बोलते बोलते बेहोश हो जाती है और जियान उसको उठा कर अपने होटल रूम में लेकर आता है और जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो अपने आप को देखती इस हालत में तो फिर सोचती है कल रात को उसने बेड पर वोमिटिंग कर दी थी इसलिए जियान ने उसका कपड़ा चेंज कर दिया है चलो अच्छा हुआ कुछ हम लोग के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जियान जिन का कपड़ा पहन लेता है और चुपके से वहाँ निकलने वाली थी तभी वो कुछ पैसे वहाँ पे रख देती है और जियान वॉशरूम में सावर ले रहा था पैसे रखती है कुछ नोट्स लिखती है और लिपस्टिक का निशान लगा देती है फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है जब जियान सावर लेके निकलता है तो वहाँ पे ट्रेन को नहीं देखता है तो उन बस उसको नोट मिलता है जिसमे लिखा हुआ था की शायद हम मिलेंगे या फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे तो जियान बोलते है अच्छा तो तुम मुझसे पंगा ले रही हो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ फिर जियान को उसका बैक वाला सीन याद आता है फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है फिर तयन अपनी फ्रेंड से पूछती है कि सीईओ जीन कौन है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है सारी लड़की उस पे मरती है और सारी लड़की उसे शादी करने के सपने भी देखती है और सोचती है भगवान में किस आदमी से पंगा ले ली और जल्दी जल्दी वहाँ से जीन से मिलने के लिए चली जाती है और तियन जल्दी जल्दी जियान को ऑफिस में जाती है और उसके कैबिन में पहुंच जाती है जहाँ पे जियान लड़की के साथ फ्लटिंग कर रहा था एक नंबर का फ्लटर था यार वो लड़की तियान को देखती और जाने के लिए कहती है और उसको थप्पड़ मारने ही जा रही थी तभी जियान उसको रोकता है और उसी लड़की को वहां से जाने के लिए बोल देता है तियान जिन से पूछते तुम्हे क्या चाहिए तो जिन उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज आकर पूछता है तुम्हें क्या लगता है के पास जितने पैसे रहते है वो जिनको दे देता है और जिन ले लेता है और उस करीब आकर बोलता है की लगते तुम्हे पैसे का बहुत जरूरत है अगर तुम मेरी गर्ल बन जाओ तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा तो तियान उसको पैर पर मारती और बोलती है की मैं पैसे पे बिकने वाली नहीं हूँ उसका क्रेडिट कार्ड वहाँ पे रख के चली जाती है फिर जियान अपने असिस्टेंट से बोलकर तियान का सारा डिटेल निकलवाता है उसका मैनेजर तियान का इन्फॉर्मेशन निकाल के जियान को बता रहा था वो यह बता रहा था की तियान और फेन है तो जियान तियान को करीब जाने के लिए वो सारा जमीन वहाँ से खरीदने के लिए बोलता है तियान पार्ट टाइम जॉब करती तो केक डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर आई थी और जियान भी कुछ काम से वहाँ पे फोटो सेशन करा रहा था जियान जब तियान से मिलता है तो बोलता है कि लगता है कि हम लोग डेस्टिनेटेड है उससे कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलस फील करती है जैसे ही तियान उस इंप्लॉय को केक देती है केक फिसल कर के नीचे गिर जाता है और उस इम्प्लॉय के कपड़े पर लग जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है उसको थप्पड़ मारने जाती है तब जियान उसे बचा लेता है हीरो की तरह फिर तियान जीन से कहती है तुम्हें मेरा हेल्प करने का जरूरत नहीं ये मैटर मैं खुद संभाल सकती थी और एक फीमेल इंप्लॉय से बोलती अगर हम दोनों का बीच में झगड़ा होता तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं थी जियान घर जा रहा था तो तियान को बोलता है की मेरे साथ चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तियान मना कर देती है तो जियान कार से निकल कर बोलता है कि मेरे मोबाइल में किसी का फोटो है अगर वो पोस्ट हो जाएगा तो क्या होगा फतियान डर के मारे कार में बैठ जाती है उसे लगता है कि उसका फोटो उसके पास है जिससे ब्लैकमेल कर रहा है तियान उसको फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है तो जियान बोलता अगर तुम फोटो डिलीट करवाना चाहती है तो तुम मेरी गर्ल बन जाओ तियान बोलती है तुम सपने भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी बनूंगी और बोलती कार अगर नहीं रोके तो मैं कूद जाऊंगी तो कार रोक देता है तो वहां से चली जाती है गुस्से में और जब वो घर जा रही थी तो वो अपना क्रस को देखती है जिससे वो लाइक करती थी और उसके साथ मूवी देखने के लिए बोलता है वो तुरंत हाँ बोल देती है नेक्स्ट डे हम देखते है जियान ऑर्फिन जमीन का पेपर लेने के लिए गया था तो ऑर्फिन का जो मालिक रहता है उसे लगता है कि जमीन वापस लेने के लिए आए हैं वो बोलता है थोड़ा दिन और रुक जाइए तो तभी जियान बोलता है कि मैं जमीन वापस लेने नहीं आया हूँ मैं बस इतना बोलने आया हूँ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये सुनकर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब तियान मूवी देखने जाती है और बोलता है की जियान ने सारा जमीन खरीद ली है यह सुनकर जियन को बहुत गुस्से आता है वो अपना मूवी कैंसिल करके डायरेक्टली वो जियान से मिलने जाती है और बोलती है तुम्हारी गर्ल बनने के लिए रेडी जियान उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम खुशी से रेडी हुई हो ध्यान बोलती नहीं मैं खुशी से तुम्हारी गर्ल बनने के लिए रेडी हूँ उसके हाथ से वाइन लेती और पी लेती और ड्रंक हो जाती है और जियान उसको कैरी कर कर अपने घर लेकर आता है और जब वो जगती है तो सोचते चलो कुछ तो अच्छा है जियान में एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं किया तभी पीछे से जियान आ जाता है और बोलता है कि तुम जो सोच रही थी अभी हम लोग वो कर सकते हैं और बोलता है कि एक महीने के लिए तुम मेरी गर्ल हो जो चाहो मैं कर सकता हूँ तो तियान बोलती तुम प्लीज ऑर्फिन का जमीन वापस मत लेना तो जियान बोलता है ठीक है और तियान एक और कंडीशन रखती है और बोलती है की मुझे एक वीक दो जो मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करूँ और तुम मुझे टच नहीं करोगे एक वीक में तो भी मान लेता है वो दोनों प्रॉमिस करते है की एक दूसरे का कंडीशन वो फुलफिल करेंगे वो दोनों साथ में मूवी देखने जाते हैं जब मूवी देख लेते हैं दे, तो लिंक तियान को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है और जब लिंक तियान से पूछता है कौन है तो उसे झूठ बोल है की ये मेरा कजन है और जीन को लेकर वहां से जल्दी से जाती है जीन उसे घर छोड़ता है उसके रूम में जाता है कुछ ज्यादा ही क्लोज आने लगता है तो तियन पूछते तुम्हे क्या कर रहे हो तो बोलते है की मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ की तुम मेरी गर्ल हो और सो किस कर लेता है वो बोलती है की मेरा फर्स्ट था नेक्स्ट वो टियान को डिनर पर लेकर जाता है अब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो उसको टांग कर अपने गोद में बैठा लेता है जब टियान को लगता है उसको किस करेगा वो अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वो बोलता कि है की पब्लिक प्लेस है इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा मतलब उसको गोद में बैठा ले पब्लिक प्लेस नहीं था किस करने के लिए पब्लिक प्लेस था डिनर के बाद जिंग टियान को अपने घर लेकर जाता है जब तियान घर जाती है तो वो अपना बैग वाला फोटो उसे घर पर देखती है और जियान बोलता है कि बस तुम भी मेरे दिमाग में हो तो मैं और क्या पेंट करूं और बोलता है कि अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट तुम तो मेरे साथ एक महीने इसी घर में रहने वाली हो और उसको कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने लगता है तो तियान को लगता है कोसो किस करेगा वो आंख बंद कर लेती है पर, जी, पर जीन सो किस नहीं करता है और बहुत तो ज्यादा एम्बेस्ड फील करती है वहाँ से चली जाती है फिर हम लोग देखते हैं जिन बार में रहता है वो अपने फ्रेंड को पैसे देता है और फिर में डोनेट करने के लिए क्यूँकी वो अपना नाम से डोनेट नहीं करना चाहता था फिर हम देखते है तियान सामान लेकर जिन के घर आती है रहने के लिए एक महीने के लिए फिर हम देखते हैं रात में तियान जब वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम में जिन को देखती है सावर लेते हुए तो चिल्लाने लगती चिल्लाने लगती है और कहती है तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो मेरा मेरा बाथरूम में कुछ खराब हो गया है तो बोलती नहीं तुम छूट बोल रहे हो तो वो बोलता है कि मेरा घर है मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर सावर ले सकता हूँ वो बोलता है कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना और वहां से चली जाती है फिर रात को तियान काम से लेट आती है तो जिन पूछता है तुम लेट घर क्यों आई हो तो वो तो कुछ नहीं है। बोलती बोलती मुझे भूख लगा है नूडल्स बनाने जा ही रही थी तभी जियान उसको रोकता है जिंग उसे रेस्टोरेंट लेके जाता है पर इतने रात में तो कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं रहता है फिर तियान उसे स्ट्रीट वाला खाना खिलाती है पर को पसंद नहीं आता है तो उसे अपने साथ लेकर घर आता है तो जिंग अपना हाथ उठाता है तो तियान को लगता है की उसको मारेगा वो अपना गाल पकड़ लेती है दोनों हाथ से और बोलती प्लीज मेरे गाल पे मत मारना तो जिन बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है की मैं ऐसा इंसान हूँ मैं कभी भी वुमेन को नहीं मारता हूँ अब फिर उसको किस कर लेता है बोलता है आज का पनिशमेंट तियान बोलती तुमको क्या मेरे को करने में अच्छा लगता है तो उसको किस करता है बोलता है कि तुम जो खाना खिलाई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और फिर उसको कॉन्स्टेंटली किस करते रहता है वो उसको दूर हटाती फिर भी किस करता है और फिर तो बोलते है की हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक वीक था वो अभी बाकी है एक दिन बचा हुआ है और फिर वहाँ से चली जाती है नेक्स्ट डे तियान को और फ्रेंड का डायरेक्टर कॉल आता और बोल किसी ने डोनेट किया है बहुत ज्यादा पैसा ये सुनकर तियान बहुत खुश होती है और अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाती है और घर आने में लेट हो जाती है तो जिन पूछता है की तुम आज भी क्यूँ लेट हो गई तो जिन उसे अपने थाई पे बैठने के लिए बोलता है वो बैठ जाती है तो बोलते तुम तो बहुत अच्छे से बिहेवियर कर रही हो हर बात मान रही हो फिर उसको किस करने लगता है फिर किस करते करते पे लेके जाता है बेड पर किस करता है और उन लोग का नाइट स्पेंड हो जाता है फिर हम देखते हैं जिन बार में रहता है वो अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसका फ्रेंड बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर टियान के लिए फीलिंग हो रही है तो जिन बोलता है मेरे लिए किसी भी वुमेन का फीलिंग नहीं हो सकता बिकॉज मैं उन्हें एक कपड़े की तरह ट्रीट करता हूँ आज पहनो और दूसरा कुछ और फिर उसे कॉल आता है मैनेजर का फिर उसे पता चलता है की उसकी मॉम बीमार है तो जिन इमिडिएटली लंडन के लिए निकल जाता है बिकॉज उसके पेरेंट्स वही रहते थे और वो टियान को मैसेज करता है की मुझे किसी काम की वजह से लंडन जाना पड़ रहा है मैं दो दिन बाद वापस आ जाऊंगा तो अपना ध्यान रखना तियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होगी बिकॉज वो दो दिन तक घर में अकेले रहेगी और जीन भी उसको परेशान करने नहीं आएगा जब जीन अपने मॉम से मिलने के लिए घर पहुँचता है तो वहाँ पे एक क्लर्की से मिलता है जिसका नाम चीची रहता है जब वो अपने मॉम से मिलता है तो फिर पता चलता है कि उसकी मॉम ने नाटक किया था तो उसको अपने घर बुलाने के लिए तो जीन गुस्से से बोलता है कि मैं कल ही वापस चल जाऊंगा जब जींद सो जाता है तो उसकी मॉम पासपोर्ट और फोन छुपा देती है कि वो जा ना पाए नेक्स्ट डे जीन अपनी मॉम से पूछता है कि आपने छुपाया है सामान तो बोलते हैं हाँ मैंने छुपाया है तुम्हारे लिए तो बस काम ही इम्पोर्टेंट है फिर देखते तियन एक वीक निकल जाता है और जिंग न उसे कांटेक्ट करता है ना कुछ मैसेज करता है ऐसे ही ऐसे एक मंथ निकल जाता है तो तियान वहाँ से निकल जाती है जींद के घर से बिकॉज वो जिंग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और उसको असिस्टेंट को बोल देती है बोलने के लिए कि वो घर वापस चली गई है ऐसे ही करते करते सिक्स मंथ हो जाता है पर जीन वापस चाइना नहीं आता है और तियान उसको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी फिर हम देखते हैं तियान मिंग के साथ एक मूवी पर जाती है जहाँ पे मिंग अपना लव कॉन्फ्रेंस करता है तियान से पर तियान रिजेक्ट कर देती है तो क्यूँकी वो कहीं ना कहीं जीन से प्यार करने लगी थी फिर फाइनली जीन वापस आता है चाइना वो असिस्टेंट से पूछने लगता है तियान के बारे में उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुमने अभी तक तियान को गिव अप नहीं किया है ना तो जिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हम लोग के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है फिर जिस कंपनी में तियान काम करती थी जिन उस कंपनी को ही पूरा खरीद लेता है और उसको मैनेजर को बोलता है की तियान को प्रमोट करने के लिए बेचारे तियान को तो कुछ पता ही नहीं था की ये सब जिंक कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है तभी उस के साथ जो लड़की काम कर रही थी वो बताती है कि हमारी कंपनी को किसी ने खरीद लिया है तभी वहां पे जिंग आ जाता है अथियान उसको देखकर सरप्राइज होती है पैर के कारण गिरने वाली रहती है जीव इसे है तभी पकड़ लेता तो तियन बोलती है कि फाइनली तुम वापस आए और उसको धक्का देकर बोलती है कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट का जरूरत नहीं है वो अपना मन बना लेती है वो काम छोड़ देगी वो रिजाइन कर देगी नेक्स्ट डे वो जियान से मिलने जाती है बिकॉज वो रिजाइन करना चाहती है तो जियान का सिस्टम उसको बहुत ज्यादा मनाता है अगर तुम इस कंपनी से रिजाइन करोगे तो तुम्हें पैसे बहुत सारा देने होंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए फिर फिर तियान रेजिग्नेशन लेटर वो देने के लिए जियान के पास चली जाती है तो जिंग उसे रेजिग्नेशन लेटर लेने के लिए मना कर देता है वो बोलते अगर तुमको नहीं लेना है तो मत लो कम से कम स्पेशल ट्रीटमेंट तो मत दो वो जाने लगती है तो जियान उसको पकड़ कर अपने गोद में बैठा लेता है फिर उसको चेयर पर बैठा कर उसका पैर में जो मोछ है तो देखने लगता है फिर उसको किस करने लगता है तो तियान उसको बाइट कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है रात में तियान लिंग के साथ रेस्टोरेंट में जाती है खाने के लिए जब यह बात जिंग को पता चलता है तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है तो लिंक पूछता है तुम्हारा कजन है ना तियान बोलती है हाँ तभी तियान का असिस्टेंट जाता है उन लोग से बोलता है कि जिंग चाहते हैं कि आप दोनों उनके साथ खाना खाए तभी लिंक बोलते है कि अब मुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बिकॉज तियान अब मेरी गर्लफ्रेंड है तो जिंग बोलता है कि एक महीने तो पहले ये मेरी उमेन थी इसे मैंने एक महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे इसी में अपनी गोल बनाया था अपने आप को एक महीने के लिए मेरे को बेच दी थी तो तियान बोलती है की तुम्हें ये सब बोलकर खुशी मिल गई ना और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है लिंग उसे रोकता और बोलता है की हम लोग साथ में चलते हैं फिर जिंग लिंग को कहता है की तुम उस उमेन में इंटरेस्ट है जो एक महीने के लिए अब मेरी थी वो लिंग उसका बात पर ध्यान नहीं देता है और तियान को लेकर वहाँ से निकल जाता है और लिंग फिर अपना फीलिंग कन्फेस करता है तो तियन बोलती है कि तुम ये सब जानने के बाद क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे तो लिंग बोलता है हाँ और उसका फिलिंग वो एक्सेप्ट कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है नेक्स्ट डे वो तियान को ऑफिस छोड़ने जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर कर जिंग बहुत ज्यादा जालस फील हो रहा था फिर हम देखते हैं जिंक बार में रहता है उसका असिस्टेंट फिर उसको समझाता है कि तुम्हारे अंदर तियान के लिए फीलिंग है तो जिंग बोलता है सचमुच क्या मैं तियान से प्यार करने लगा हूँ नेक्स्ट डे तियान जब ऑफिस जाती है तो उससे बात करने की कोशिश करता है पर सुनती नहीं तब जबरदस्ती उसको लेकर जाता और दीवार से लगा देता और उसको किस करने लगता है तो तियान बोलती है तुम जो चाहते हो वही करते अब क्या तुम खुश हो ना वो उससे माफी मांगता है तो तियान बोलती तुम मुझसे कितना ही माफी मांग लो अब हम लोग साथ नहीं हो सकते क्योंकि अब मैं लिंग की गर्लफ्रेंड हूँ यह सुनकर जियांग को बहुत ज्यादा हॉट फील होता है जिंग तियान को बोलने की कोशिश करता है और दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लॉटिंग करने की कोशिश करता है पर बार बार उसको तो तियान तियॉंग याद आ रहा था इसलिए वो नहीं कर पाता है बिकॉज वो तियान से प्यार जो करने लगा था फिर हम देखते हैं जिंग कॉन्फ्रेंस में वो अपना फीलिंग बताता है वो बोलता है की मैं एक और नए लड़की से प्यार करता हूँ ये बात तियान और उसका बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है तो वो बोलता है की मैं जियान जितना उतना अमीर तो नहीं हूँ पर मैं पूरा कोशिश करूंगा तुमको खुश रखने का फिर हम देखते रात में जिंक तियन से मिलने के लिए जाता है और उसको घर तक छोड़ता है उसको हक करता है बोलता है मैं एक वीक के लिए लंदन जा रहा हूँ तो तियन बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है वो देख देखकर गलत समझेगा इसलिए मुझे छोड़ दो तो जिंग उसे नहीं छोड़ता और बोलता है मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा तियान खुद को जिंग से दूर करती है उसका बॉयफ्रेंड जिंग से कहता है की तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना छोड़ दो और उससे दूर रहो नेक्स्ट है तियान अपनी फ्रेंड को अपना रिलेशनशिप के बारे में बताती है उसका फ्रेंड सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और पूछती है की तुम दोनों शादी कब करने वाले हो तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि अभी तो हम लोग शादी का प्लान नहीं किए पर मैं पहले से इंगेजमेंट का प्लानिंग किया हूँ वो उसको रिंग पहना देता है जब तियान ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है उसे जिम का असिस्टेंट बनकर काम करना होगा वो जितना भी काम रहता है वो सबको गड़बड़ करने लगती है इधर उधर 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 सामान करने लगती है उसे ऐसा ही लगता है की यह सब देख कर जीत उसे काम से निकाल देगा पर ऐसा कुछ नहीं होता है पीछे से जिम आ जाता है तो तियन पूछते तुम क्या लंदन नहीं गए तो जियान बोलता नहीं गया क्या तुम मुझे मिस कर रही थी वो बोलती है नहीं तभी जियान उसके हाथ में इंगेजमेंट वाला रिंग देख लेता अब पूछता तुम इंगेजमेंट कर ली तो जिंग बोलता तुम क्या उसे प्यार करती हो तो जियान बोलती हाँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ तो जिंग बोलता नहीं तुम झूठ बोल रहे क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे दिल में हूँ और कोई नहीं वो फिर वहाँ से चली जाती है फिर नेक्स्ट डे हम देखते तियान से मिलने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़की मिलने के लिए आती है तियान से जिसका नाम वेंग रहता है वो लड़की तियान से बोलती है को मिंग को छोड़ दे बिकॉज उसके डैड मरने से पहले सारा कंपनी वो मिंग को दे दिए थे और वो ये भी चाहते थे की वो मेरा ख्याल रखे फिर त्यन उसको समझाने की कोशिश करती है की वो एक दूसरे से प्यार करते तभी वो लड़की भी होश हो जाती है जब तियान उसको हॉस्पिटल लेके जाती है तो डॉक्टर उसे बताते है की उस लड़की को हार्ट का प्रॉब्लम है जब ये बात मिंग को पता चलता है तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचता है और तियान से कहता है कि मैं यहीं पर रेंग के पास रुकता हूँ उसका ध्यान रखता हूँ तियान जब देखती है कि मिंग रेंग को इतना ध्यान रख रहा है यह देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है फिर हम देखते तियान को जिंग का कॉल आता है वो पूछता है कि तुम कहाँ हो तो तियान बोलती है मैं अभी हॉस्पिटल से घर आ रही हूँ तो जिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा उसको टेंशन हो जाता है तो बोलता है क्या तुम बीमार हो तो तियान बोलती इसे तुमको कोई लेना देना नहीं है तो जिंग बोलता है क्या, तुम रो रही हो तुम अभी कहाँ हो तो तियान बोलती है मैं अपने घर के पास हूँ जिंग जल्दी से तियान के पास पहुँचता उसको हक कर लेता है तियान उसको थैंक्स बोलती है उसके पास आने के लिए फिर वहाँ से चली जाती है नेक्स्ट जब तियान वेंग से मिलने जाती है तो वेंग उसको बताता है की मिंग बीमार है फिर हम देखते हैं मिंग वहाँ पर आता है तो वेंग जाकर उसको हक कर लेती है तियान के सामने तो मिंग उससे कुछ बात नहीं करता है ये देख कर तियान को बहुत ज्यादा हॉट फील होता है और बुरा भी लगता है फिर हमें फ़्लैशबैक में दिखाया जाता है मिंग जब भी होश हुआ था तो उसको डॉक्टर बोले थे की उसका ब्रेन ट्यूमर है तो मिंग को लगता है की वो अब तो मर जाएगा इसलिए वो अपने आप को तियान से दूर रख रहा था फिर हम देखते मिंग चिंग से मिलने जाता है और मिंग जिंग को बोलता है तुम त्यार से दूर रहो फिर तो जिंग बोलता है कि मैं तय से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा फिर मिंग जियांग को बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम तियान को हमेशा खुश रखोगे उसे कभी छोड़कर नहीं जाओगे तो जिंग बोलता है तुम क्या तियान पे गिव अप कर रहे हो तो वो बोलता है नहीं मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है मैं कुछ दिन में मर जाऊंगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान का ध्यान रखो और तुम कभी भी उसको अकेला मत छोड़ना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं वो बोलकर वहाँ से चले जाता है फिर हम देखते है रात को तियान से मिलने के लिए आता है वो उससे ब्रेकर करने के लिए बोलता है और बोलता है मैं विन से प्यार करने लगा हूँ और कुछ दिन बाद हम दोनों फ्रांस चले जाएंगे और तियन को ये सुनकर बहुत ज्यादा हॉट फील होता है उसका तो दिल ही टूट जाता है और उसको रिंग लौटा देती है मिंग से चले जाता है फिर इसके बाद कहानी हमें एक महीने बाद दिखाया जाता है तियन में रहती है बच्चे लोग के साथ तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है और ध्यान पूछते तुम यहाँ पे क्या करने आए हो तमिंग बोलते मैं किसी इंपोर्टेंट पर्सन से मिलने आया हूँ जो तो की तुम हो और जिंग उसे अपना फीलिंग जिंग उसे अपना फीलिंग बताता है और तियन में उसका फीलिंग एक्सेप्ट कर लेती है वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं जियान तियान को अपनी फ्रेंड यू से मिलाता है तियान को लगता है कि ये वही इंसान है जो ऑर्फेज में डोनेट किया है पैसा तो तियान उनको थैंक यू बोलती है और यू तियान और जियान को, को साथ में देख बहुत ज्यादा जलस बिल करती है यू तियान और जियान को साथ में बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करते हैं नेक्स्ट डे हम देखते हैं की वो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं सभी लोग पार्टी में तियान का इंसान करते बिकॉज वो रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी और यू भी उसे परेशान करती थी तियान का तबियत खराब हो जाता है तो जिंग उसे अपने साथ अपना घर लेकर आता है यह देखकर यू बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है जिंग सिर्फ मेरा है और मैं उसे पा कर रहूंगी तियान जिंग को कहते है कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ मैं तुम्हारा सिस्टर नहीं बनना चाहती हूँ जिंग भी उसका बात मान लेता है और कहता है मेरा एक फ्रेंड है जो फैशन डिजाइनर है तुम उसके साथ काम कर सकती हो फिर जियान तियान को यू का कंपनी में भेजता है जहाँ पे यू तियान को बहुत ज्यादा परेशान करती है और बहुत ज्यादा काम देती है करने के लिए तियान भी सारा काम अच्छे से करती है फिर यू तियान को बताती है कि जियान के फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनकी ग्रैंड पा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो चाहते है वही होता है और कहते है की मुझे नहीं लगता है वो तुम्हारे शादी के लिए अप्रूवल देंगे तो रात में घर जाने के बाद जीत से पूछती है वही वाला बात तो जीत बोलता है हाँ, मेरे ग्रैंड वही स्ट्रिक्ट है जो घर में बोलते वही होता है ऑफिस में भी बोलते है वही होता है तो तियान बोलते ग्रैंड पा हम दो का रिलेशनशिप का अप्रूवल देंगे तो जियान बोलता है क्यों नहीं मैं ग्रैंड से बात करूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं बात जरूर मानेंगे नेक्स्ट डे यू प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना न्यू डिजाइन दिखाने के लिए एक एम्प्लॉय वो ड्रेसेस ले जाना भूल जाते हैं जब त्य उसको लेकर जाती रहती है पर लेट होते रहता है तभी वहाँ पर सीनियर आ जाते हैं वो सीनियर से हेल्प मांगते हैं वो कपड़े को प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुँचाने के लिए वो भी हेल्प करता है तभी उसको चक्कर आ जाता है तो उसका सीनियर पकड़ लेता है आइया देख कर यूरो का फोटो क्लिक कर लेती है और जीन को सेंड कर देती है उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फिर तियान को कॉल लेकर पूछता है तुम कहाँ हो तो बोलती है घर पे तो जीन जल्दी सिवर घुटर जाता है वो उसको गुस्से से चेयर पर बैठाता है बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो जब मैं तुम्हारे पास तुम नहीं था, था। तुम कोई अनदर मैन को ढूंढ लेना तियान बोलती नहीं तुम गलत समझ रहे हो तो जिन बोलते क्या वो ये करना चाहता था और सब किस करने लगता है तियान उसको खुद से दूर रखती है और कहती है की तुम क्या चाहते हो मुझसे और कहता है की मैं क्या चाहता हूँ तियान को उसको उठाता और बेट पर पुस्ट कर देता है फिर हमें फ्लैश बैक में दिखाया जाता है जिनको कोई फोटो भेजता है तियान किसी और लड़के के साथ तो गुस्से से यू को ऑफिस में जाता है और तियान से सवाल जवाब पूछने लगता है थान उसको समझाने की को कोशिश करती है को कि इसका सीनियर था जब वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसने हेल्प किया था वहाँ तक जाने को और गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए मैं भी होश हो गई तो उसने हॉस्पिटल मुझे इससे इसलिए कुछ नहीं जिम बोलता तुम भी होश हो गए थे तुमने मुझे क्यूँ नहीं बताया तो तियन बोलती मैंने इसलिए नहीं बताया मुझे लगा था तुमको टेंशन होगी जिम बोलता अगर तुम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मुझे बताने में डर क्यूँ रही थी तो तियन बोलती क्या तुमको मुझ पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं है तो जिम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ तो तयन बोलती तुमने भी तो कुछ लोग लगा कर रखे मुझ पर नजर रखने के लिए मैं कहा हूँ क्या कर रही करूँ सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुँचता है इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है तो तियान जिंग को कहते हैं की प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो तो जी वहाँ से चले जाता है तभी वहाँ पर यू आती है हमारी कहानी की विलन और वो बोलती है की तुम दोनों का बीच में जो झगड़ा हुआ उसे मुझे लेना देना नहीं है तुम बस कॉम्पिटिशन पर ध्यान दो फिर तियान कॉम्पिटिशन पर लग जाती है और बहुत मेहनत करती है और रात में हमारे हीरोइन ये कॉम्पिटिशन जीत जाती है यू ये देख कर बहुत ज्यादा जिलस फील करती है और का असिस्टेंट से पूछती है वो बोलती है कि तुमको लगता है कि तियान यह अवार्ड डिजर्व करती है तो का असिस्टेंट बोलता है कि जिंग ने इस शो को होस्ट किया तो तुमको लगता है कि कोई और जीत पाएगा तियान के अलावा तो सब लोग को यही लगता है कि तियान अपनी मेहनत से नहीं की वजह से जीती है फिर तियान जीत पे गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया फिर तो जिम बोलते है बस मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता था मैं तुम्हें बस खुश करना चाहता था तो तियान बोलती मुझे लगता था कि तुम चेंज हो गए हो पर तुम चेंज नहीं हो तुम पहले की तरह ही हो तुमको लगता है तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो और तियान बोलती कि हम लोग कुछ दिनों के लिए अब अलग रहेंगे फिर हम देखते जिंक पता लगाने में लग जाता है की वो फोटो किसने भेजे थे फिर जिंग को पता चलता है की ये फोटो कोई और ने यू ने भेजे थे फिर जिंग यू को बार में बुलाता और पूछता की तुमने ऐसा क्यूँ किया तो यू बोलती है की तुमको तो पता है की मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ तुम्हारे लाइफ में जब से तियान आई है तुम बस तियान के बारे में ही बात करते है उसके बारे में ही सोचते हो मिला तो जिंग बोलता है सॉरी तो यू बोलती है सॉरी बोलने का जरूरत नहीं वैसे भी मैं दो दिन में लंदन हमेशा के लिए चली जाऊंगी अब बोलकर वहाँ से चली जाती है यू लंदन जाने से पहले वो तियान को लेटर लिखती है जिसमे लिखा हुआ था की जो ऑर्फनेट में पैसा डोनेट किया था वो मैं नहीं था जियान था और जो फोटो क्लिक किए थे कोई और डी मैं थी उसके लिए माफी मांगती है तो तियान सोचती है की मैं जिंग के बारे में गलत सोच रही थी तभी वहाँ पे जिम आ जाता है जियान तियान से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कभी भी फ्यूचर में उसको पर शक नहीं करेगा तो तियान भी उसको माफ कर देती है फिर जिंग उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो तियान भी हाँ कर देती है और जिंग कहता है कि मैं अपने फैमिली से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ रात में जिंग तियन को भी रिंग पहना देता है फिर हमारी कहानी में ट्विस्ट आता है जिंक का फैमिली जो जिंक के लिए गर्लफ्रेंड चूज किया था चीची वो लंदन से चाइना आ रही थी को सरप्राइज देने के लिए नेक्स्ट डे जब तियन जागती है तो जिंक को देखती है और किस करती है और कहती है की नेक्स्ट वीक में मेरी मॉम का डेथ एनिवर्सरी है तुम मेरे साथ जरूर रहना तो वो भी बोलता है हाँ और इसके बाद उन लोगों का तो फिर शुरू ही हो जाता है जब वो लोग ऑफिस में रहते हैं तभी जिंक को उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि तुमसे मिलने के लिए चीची चाइना गई है जब वो आएगी तो एयरपोर्ट से तुम उसको पिकअप कर लेना चिंक चीची का नाम सुनकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है तियान पूछती है क्या चीची तुम्हारी बहन है तो जियन बोलता है नहीं वो मेरी बहन तो नहीं है पर मेरी मॉम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है तो तियान बोलती कि मैं चीची से मिलूंगी पर चियान का असिस्टेंट कोई बहाना मार के तियान को फाइल लेने के लिए वहां से भेज देता है जिससे वो चीची से ना मिल पाए फिर चियान अपने असिस्टेंट को पता करने के लिए बोलता है कि चीची किस फ्लाइट से आ रही है जब तियान फाइल लेकर वापस आ जाती है का असिस्टेंट जिंक को बोलता है कि चीची ऑलरेडी ऑफिस आ गई है तियान तो ये सुनकर डर जाता है तियान बहुत खुश होती है बोलती की मैं तुम्हारी बहन को अभी लेकर आती हूँ तो जिंक मुझसे मना करता है बोलता है कि तुम उसको नहीं जानती हो और ना ही वो तुमको जानती इसलिए तुम मत और जिन असिस्टेंट को चीची को लाने के लिए कहता है वो इशारे से कहते हैं कुछ भी करे पर तियान को उससे न मिलने दे जिंक का असिस्टेंट उससे मिलता है और कहता है कि जिंक अभी ऑफिस में नहीं है उसको उससे घर जाने के लिए बोलता है जिंक असिस्टेंट से बोलता है कोई भी बहाना बनाओ मुझे कोई मतलब नहीं है पर चीची को वापस लंदन भेजो उन लोगों के बाद तियान सुन लेती है और बोलती है की तुम्हारी बहन है तो फिर तुम उसको वापस क्यूँ भेजना चाहते हो फिर चिंक तियान को सारा बात बताता है मेरे ग्रैंड चाहते है की मैं चीची ऐसी शादी कर लूँ क्यूकी वो अमीर फैमिली ऐसी बिलो ंग करती और बिजनेस से मेरी हेल्प भी हो जाएगा जिम बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अपने फैमिली से जरूर उसको मिलाएगा जियांग का असिस्टेंट जियांग को बोलता है कि चीची नहीं मिल रही है कहीं खो गई है वो लोग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं अभी हम चीची को देखते है जो जिंग का ऑफिस आई हुई थी और वो तियान से मिलती है तियान उसको बोलती है कि मैं जिंग की असिस्टेंट हूँ उसका सच नहीं बताती कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो लोग जब तक ढूंढ के थक कर वापस आते हैं तब पता चलता है कि चीची ऑफिस में ही है जब वो लोग चीची के पास पहुंचते हैं तो चीची जियान को हक करती है और ये देख कर भी तियन कोई रिएक्शन नहीं देती है तो जिंक देखता है की वो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं हो रही है तो बार बार चीची को तारीफ करता है और उसको हक भी करता है को चैलेंज करने के लिए और थैंक्स भी बोलता है उसका के के ध्यान रखने लिए चीची ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जियान ने उसके सबके सामने फ्योन्सी बोला और उसको किस कर लेती है जिंक असिस्टेंट को और टियान को वहां से जाने के लिए बोलता है और टियान बहुत ज्यादा हॉट फील करती है फिर हम देखते हैं जिंक की माता ग्रैंडपा से बोल रही होती है कि चीची जीन से मिलने के लिए चाइना गई है क्यूँकी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है तो ग्रैंड बोलते हैं कि चीची इतना कर रही है जब जीन के लिए तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोग का शादी अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट डे जीन के ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं उसने बताते हैं कि की का और चीची का जल्दी शादी होने वाला है रात में अपसेट होकर तयन घर जाती है तभी वो अपना सीनियर से मिलती है उसका सीनियर पूछता है की तुम रोक क्यों रही हो उसका सीनियर बोलते है क्या जिन तुम्हें परेशान किया तो वो बोलती नहीं वो मुझे परेशान नहीं किया वो सिर्फ उसकी शादी होने वाली है उसकी फ्यंसी भी तो है तो सीनियर बोलते है वो तो तुमको प्यार करता है ना वो तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है वो किसी और के संग शादी कैसे कर सकता है सीनियर अपना फीलिंग उसको बताता है बोलता है मैं कॉलेज टाइम से तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ तियन उसको कुछ जवाब देती तभी वहाँ पे जिंग आ जाता है जिंग तियन को जबरदस्ती घर लेके आ रहा होता है तो सीनियर उसको रोकता है फिर उन दोनों के बीच में फाइट होता है तो तियान उन लोग रोकती है जिंग जबरदस्ती तियन को अपने साथ घर लेकर आता है वो उसको चेयर पर पोस्ट करता है और बोलता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तुम अपने कोई अनदर मैन को चूज कर ली हो वो बोलते है की ऐसा कुछ नहीं ऐसा तुम सोच रहे हो तो जिंग बोलता है वो ऐसा करना चाहता था उसको किस करने लगता है तियन उसको अपने ऐसी धक्का देकर दूर करती है बोलती है, तुम चाहते क्या हो जिंग बोलता है मैं चाहता क्यों हूँ उसको बेड पर सुला देता है और सुख किस करने लगता है उसका संग जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो तियान उसको नहीं रोकती है तो जिंक खुद से रुक जाता है और पूछता है है कि तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही वो खुद से जाने लगता है। तो तियान उसको रोकती है उसको पर है उसके ऊपर चढ़ जाती और बोलती है कि मैं देखती हूँ बर्दाश्त कर पाते हो और तो किस करने लगती है और सोचते है ये हमारा लास्ट नाइट है साथ में नेक्स्ट है, जब तियान जगती है तो वो जिंक को किस करती है रेडी होती है मिरर पर लिपस्टिक से लिखती है की फिर मिलेंगे या फिर हम लोग कभी नहीं मिलेंगे ये वही वर्ड लिखती है जो पहले जब फर्स्ट टाइम मिले थी जब वो नोट पे लिखी थी तब वो जिंग का घर छोड़कर चली जाती है जब जिंग जागता है तो तियान को ढूंढने लगता है वो तियान को बहुत ढूंढता है फिर बाथरूम में जाता है तो मिरर में वही वर्ड लिखा हुआ दिखता है जिंग तियान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है जिंग जब ऑफिस जाता है तो उसको काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता वो बस तियन के बारे में ही सोचा जाता है और सब पर छोटा चुट छोटा बात पर गुस्सा करने लगता है रात में जब जिंग घर आता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तियान मेरे पास वापस आ जाए नेक्स्ट डे जिंग चीची से मिलने जाता है वहाँ पर तियान की फ्रेंड आती है और वो जिंग से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो जिंग उसे अपने काबिन में लेकर जाता है तो तियान की फ्रेंड जिंग को एक चोर से चाटा मारती है और कहती है कि तुम तियन के फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हो वो और फ्रेंड ने ये जानते हुए तुम उसको इतना भूलि किए हो तो जिन बोलता है मैंने उसे शादी के लिए पूछा क्या तुमको नहीं लगता कि मैं उसके लिए सीरियस हो तो तियान के फ्रेंड बोलती है तुम्हारे बातों से तो लग रहा है तुम सीरियस हो पर तुम जैसा बिहेवियर कर रहे हो मुझे वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है जिंग बोलता है कि मैंने तियान के लिए इतना कुछ किया इससे क्या कि मैं सीरियस नहीं लगता तो तियन की फ्रेंड बोलती क्या तुमने उसे अपने पेरेंट्स से मिलाया तियान को यही लगता है कि की उसका पेरेंट्स तुम लोग का शादी के लिए अप्रूवल नहीं देंगे जिन पूछता मैं क्या करूँ तो तियान की फ्रेंड बोलते तुम जाओ अपने पेरेंट्स से उसको मिलवा वैसे भी कल के दिन तियान का मोम का एनिवर्सरी है वो ग्रे पर जरूर जाएगी तुम जाओ उससे मिलो और बात करो तो जियान तियन के फ्रेंड को थैंक्स बोलते हैं हेल्प करने के लिए बाहर खड़ी चीची उन दोनों का बात सुन रही थी उसे पता चल जाता है कि जिंक उससे नहीं तियान से प्यार करता है इधर हम देखते तियान यही सोच रही थी उसकी मॉम की एनिवर्सरी पर जिंक जरूर से मिलने के लिए आएगा फिर जिंक जल्दी से अपना असिस्टेंट को बोलते है दो फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए क्योंकि वो तियान को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए लेकर जाता है फिर हम देखते तियान अपनी मॉम की गये पर आई हुई थी वहीं रुक कर जिंक का आने का वेट करती है उसे ऐसा ही लगता है कि जिंक जरूर आएगा इधर हम देखते हैं जिन जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करता है तो उसका असिस्टेंट पूछता है बॉस आपको कहीं जाना है क्या तो जिंग बोलता है हाँ मुझे तियान के पास जाना है और इधर पीछे खड़ी होकर चीची सुन रही थी वो जिंग को तियान के लिए रोकने के लिए प्लान बनाती है तभी चीची के पास जिंग का मोन को कॉल आता है वो रोने लगती है तो जिंक की माम बोलती है क्या जिंक ने तुम्हें परेशान किया है तो चीची उन्हें बताती है कि जिंक किसी और को पसंद करता है और क्या आप लोग को नहीं पता था कि जिंक किसी और को लाइक करता है इतने दिनों से कि आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे और तुम वापस आ जाओ मैं जिंक के शादी तुम्हारा शादी करवाऊंगी जिंक तयन से मिलने के लिए निकलता है पर रास्ते में उसकी मॉम को कॉल आ जाता है वो कहते हैं कि तुम चीची के साथ जल्दी से लंदन आ जाओ क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है जिंक तियान को कॉल करके सब बात बताना चाहता था पर उसका कॉल ऑफ आ रहा था तो जीप को तियान से मिले बिना ही वो लंदन के लिए निकल जाता है चीची के साथ तियान उसको बहुत ज्यादा वेट करती है और उसमे गुस्सा भी करती है वेट करते करते अंधेरा हो जाता है तो मुझे आशा देकर वो भी तुम तोड़ दी है और कहती कि जब वादा तोड़ना ही था तो तुमने मुझसे वादा क्यों किया फिर वो अपने घर चली जाती है फिर रात में हम देखते हैं तियान के पास चीन का असिस्टेंट का कॉल आता है और बोलता है कि तुम कॉल ऑफ क्यों कर रखी थी जिन ने तुम्हें इतना बार कॉल किया बताने के लिए की उसका गैनता का तबीयत बहुत खराब था इसलिए इमरजेंसी में वो चीची के साथ लंदन जाना पड़ा मैं पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसलिए तुम मिलने के लिए कंपनी आ जाओ जब वो ऑफिस जाती तो उसका असिस्टेंट पूरा बात बताता है तो तियन बोलती जहाँ पे मैं थी वहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा था चिंक का असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें पता है जिंक तुमसे कितना प्यार करता है कोई और लड़की तुम्हारा जगह नहीं ले सकती है और तियन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो लंदन जाने का डिसाइड करती है वो असिस्टेंट को ये भी बताती है कि वो जिंक को ना बताए कि वो लंदन जा रही है बिकॉज उसको सरप्राइज देना चाहती है जब वो लोग लंदन पहुंचते हैं तो चीची चिंक को सच बताती है की हम लोग ने झूठ बोला था तुम्हें लंदन आने के लिए की ग्रैंड का तबियत खराब है पर ग्रैंड ठीक है ये सुनकर जिंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज उनके पेरेंट्स की झूठ बोलने की वजह से वो तियन से नहीं मिल पाया चीची फिर उससे पूछते तुमने कभी मुझे प्यार किया है तो जिंक बोलता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया एस ए सिस्टर मैं तुम्हें हमेशा ट्रीट किया हूँ तो चीची बोलती ठीक है तुम वापस जाओ थियन के पास मैं यहाँ पे रहकर तुम्हारी मॉम का और गैन का ध्यान रखूंगा और कितनी स्वीट थी तो जिंग उसको थैंक्स बोलता और जल्दी जल्दी चाइना के लिए निकल जाता है फिर हम न्यू कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम हुआंग रहता है सी कंपनी का सीई रहता है वो अपना बॉडी के साथ तिया को पे जाता है और वहाँ के डायरेक्टर को तियान के बारे में पूछने लगता है डायरेक्टर पूछता है की आप लोग तियांग के बारे में क्यूँ पूछ रहे हैं क्या रिलेशन सिप है आपका तो हुआंग बोलता है कि तियांग मेरी छोटी सिस्टर है तभी डॉक्टर बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है तियान तो अनाथ है तभी हु को उसका बॉडी गार्ड बताता है की उसने तियान के बारे में सब कुछ पता कर लिया है वही यंग मिस है और वो लोग डॉक्टर ऐसी बात किए बिना ही वहाँ ऐसी चले जाते हैं जिन चाइना वापस आ जाता है तभी उसका असिस्टेंट कॉल के पूछता है कि तुम क्या लंदन पहुंच गए और जिन बोलता है नहीं मैं वापस चाइना आ गया हूँ क्या तुम तियान से मिले हो तो उसका सीजन बोलते तुम चाइना में हो पर तियान तो तुमसे मिलने के लिए लंदन गई है बिकॉज वो तुमको सरप्राइज देना चाहती थी फिर ची चाइना से लंदन के लिए निकल जाता है यार कितना दौड़ भाग कर रहा था तियान लंडन पहुँचती और जी के घर जाती है वहाँ पे ग्रैंड पा पहले से ही वेट कर रहे थे बिकॉज उन लोग को रिलेशनशिप के बारे में उनको पता था और उसे ग्रैंड पा एज ए मनो ड्रामा हर ड्रामा में होता है पैसा दो हमें मेरे के छोड़ दो वो भी यही करता है पर तियान मना कर देती है अब बोलती है कि वो जिनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है अगर वो वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे वो नहीं रुकेगी वहाँ से जाने लगती है जब हॉन्ग को पता चलता है कि तियान लंदन में तो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है वो अपने टेंशन में रहता बेहोश हो गया था बिकॉज वो बहुत भागदौड़ तो किया था कभी लंडन कभी चाइना फिर तो योंग का बॉडी गार्ड टियन को किडनेप कर लेता है वो एक आईलैंड पर लेकर जाता है वो वहाँ से बहुत कोशिश करती निकलने का पर नहीं निकल पाती है जो चिंग होश में आता है तो वो को ढूंढने के लिए निकल जाता है तियान उन बॉडीगार्ड को बात करते हुए सुन लेती है कि बॉडीगार्ड कह रहे थे कि वो तियान पर अच्छी तरीके से नजर रख और बॉडी गार्ड कहते हैं कि हम लोग को उन पर नजर रखना ना कि हार्म करना है जो तो तियन बहाना करने लगती पेट दर्द का तो सभी बॉडी गार्ड मिलकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तियान बहाना मार के बाथरूम में जाती है वहाँ से विंडो से भाग जाती है और उसके भागते हुए बॉडी गार्ड देख लेते हैं और बॉडी गार्ड तियन का पीछा करने लगते है तियान एक जगह छुप जाती है जहाँ पे बॉडी गार्ड नहीं डूर पाते तभी वहाँ पे एक लड़की आती है उसे देख लेती है अपने साथ उस बॉडी गार्ड से बचाते हुए लेकर आ जाती है तो तयन पूछते कि मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ फिर भी तुमने मेरी हेल्प क्यों की वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे इसलिए हेल्प कर रही की मुझे लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो तो तियान बोलती कि तुम मुझे किसी तरह एयरपोर्ट पर पहुंचा दो वो लड़की बोलती ठीक है तुम कपड़े चेंज कर लो जिसकी वजह से बॉडी गार्ड नहीं पहचान पाएगा तुमको फिर वो लड़की तियान को अपने साथ ले जाकर रास्ते पर थका देती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है फिर वो लड़की अपने बॉस के पास जाती है जिसने तियान को साथ ऐसा करने को कहा था अभी उसके बॉस का फेस दिखाया नहीं गया ये हमें आगे पता चलेगा जब तियान के एक्सीडेंट के बारे में हुआंग को पता चलता है वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे जाकर उसको पता चलता है की उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट की वजह से मेमोरी लॉस हो गया है फिर हुआंग तियान के पास जाता है तो तियांग पूछते तुम कौन हो तो हुआंग बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तुम्हारे डैड ने मुझे अडोप्ट किया था तो तियान पूछती मैं कौन हूँ अब मैं यहाँ पे कैसे आई तो हुआ उसको सारा बात बता देता है जिनको जब तियान नहीं मिलती है तो वो वापस चाइना आ जाता है और अपनी पूरी जान लगा देता है उसको ढूंढने के लिए पर उसे नहीं मिलती है टीचिंग जिंग जीच के पास आती है और बोलती है कि टेंशन मत लो हम दोनों साथ में मिलकर उसको जरूर ढूंढ लेंगे फिर जिंग के पास जिंग का असिस्टेंट का आता है और बोलता है हो सकता है कि ऑर्फेन डायरेक्टर से कुछ पता चल सके पहले जिंग तियान की मॉम के ग्रेव के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है की पहले उनसे वो मिलने नहीं आए फिर वो ऑर्फेन के डायरेक्टर के पास जाते हैं तियान के बारे में पूछने के लिए तो ऑर्फेन का डायरेक्टर बताता है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे तियान के बारे में पूछने के लिए और वो बिल्कुल माफिया की तरह लग रहे थे उसमें से जो लीडर था वो अपने आप को तियान का बड़ा भाई बता रहा था उसका नाम सीटू था पर पूरा क्या नाम था क्या करता था ये तो मुझे नहीं पता नेक्स्ट डे जिंग का असिस्टेंट हुआ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल निकाल कर जिंग को देता है दूसरी तरफ हम को देखते जो तियान को वापस चाइना लेकर आता है वुआंग की बहन चिया वुंग से पूछती है तुम तो प्रेसिडेंट की पोजिशन पर बिल्कुल फिट हो फिर तुम तियान को क्यू प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो तो हुआंग अपनी सिस्टर को समझाते हुए कहता है कि उसके डैड का विल में लिखा हुआ था उनकी बेटी चेयरमैन बनेगी चिंग बोलती है वैसे भी तियन का मेमोरी तो लॉस हो चुका है तुम्हें तो हमारे अडोप्टर डैड की बात मानने का जरूरत नहीं है तो हैंग बोलते है, मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं इतना भी बुरा नहीं बन सकता तियान छुप कर उन लोग का बातें सुन रही थी नेक्स्ट डे लॉयर ऑफिस जाता है और तियान को चेयरमैन बनने के लिए बोलता है वो अगेंस्ट रहती है और बोलती मैंने ही लंदन में तियान का एक्सीडेंट कराया था जिस वो मर जाए और इस पोजीशन पर मेरे भाई रहे हु को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो अपने सिस्टर को रूम में लॉक करवा देता है फिर हुआंग तियान को बताता है कि उसके कंपनी का अगेंस्ट में कॉम्पिटेटर चेंग कंपनी है उसका प्रेसिडेंट है जिन जिन का बात सुनकर तियान को थोड़ा सा मेमोरी याद आने लगता है तियान अपने ब्रदर से बोलती है कि तुम चिंग कंपनी का टेंशन छोड़ दो जिंग को तो मैं हैंडल करूँगी और इधर जिंक का असिस्टेंट जिंग को बताता है कि हुआंग से मिलना तो बहुत मुश्किल है पर उनकी सिस्टर शाम से मिल सकते हैं तो तियान के बारे में हो सकता है कुछ पता चल जाए जिंग और असिस्टेंट श्याम से मिलने के लिए निकल जाते हैं पर बॉडीगार्ड गार्ड उससे मिलने के लिए वो नहीं देते हैं पर थोड़ी देर बाद तियान श्याम से मिलने के लिए जाती है पर बॉडी गार्ड उसे भी मना कर देते है तो बॉडी गार्ड को बोलती की मैं थोड़ी देर बात करूंगी तो बॉडी गार्ड मान जाता है तियान बॉडी गार्ड को केक खाने के लिए देते है जैसे ही वो केक खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं बॉडी तियांग ने इसलिए ऐसा किया कि सियान वहाँ से भाग सके फिर तिया उसे सीक्रेट पूछने लगती है वो बोलती है तुम पहले अपने रूम में मुझे लेकर जाओ फिर मैं सीक्रेट बताऊंगी बिकॉज तुम्हारे रूम में एक सीक्रेट रूम है पर वो उसको कुछ नहीं बताती है बस इतना बताती की मैं बाहर निकलने के बाद इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे दूंगी और वो वहाँ से निकल जाती है और वो बोलती है की तुम मेरे रूम में जाकर बेहोशी होने का नाटक करो जिससे ऐसा लगे की मैं तुम्हें मार कर बाहर निकली हूँ नहीं तो सबको पता चल जाये की तुमने मेरी हेल्प की है त्यंग वैसे ही जाकर नाटक करती बेहोश होने का जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता है शाम के टाइम जब तियान कंपनी के काम से बाहर जाती है जिंग उसके कुछ ज्यादा ही क्रोज आने लगती अपने बॉडी गार्ड से बोल कर उसको साइड करा देती है बिकॉज उसका मेमोरी तो लॉस हो चुका था वो जिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है उसको नेक्स्ट है जिंग अपने असिस्टेंट को बोलता है किसी तरह श्याम को पता लगा सियामी एक है जो तियान से उसको मिलवा सकता है फिर श्याम खुद ही जिंग को ढूंढ कर उससे मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें तियान से मिला सकती हूँ तो जिंग बोलते क्या बोलना चाहती हो तो श्याम बोलती तुम मेरी सेफ्टी का गारंटी लो तो मैं तुम्हें सारा बात बता दूँ की क्या क्या हुआ है तो जिन बोलता ठीक है मैं तुम्हारी सेफ्टी का गारंटी लेता हूँ फिर हम देखते तियान एक रेस्टोरेंट में जाती है अपने बॉडी गार्ड के साथ तभी एक आंटी उसको एक नोट देती है श्याम ने भेजा था श्याम उसे अकेले पार्किंग एरिया में आने के लिए कहती है त्यांग वहाँ पे पहुँचती जी तो जिंग उसे हक कर लेता है त्यांग उसको खुद से दूर करती है और पूछती तुम कौन हो तो जिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ यह सुनकर तो त्यांग बहुत सरप्राइज होती है तो जिंग बोलता है तुम अभी सब कुछ भूल गई हो इसलिए तुमको याद नहीं है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो त्यांग बोलती है हाँ मैं सब कुछ भूल गई हूँ पर मैं ऐसे ही किसी को अपना हस्बैंड कैसे मान लूँ तो जिम बोलता अगर तुमको याद नहीं है तो मैं किस करता हूँ जब तक किस करूंगा तब तक तुम्हें याद न आ जाए उसको किस करने लगता है वो उसको खुद से हटाती है और बोलती है तुम क्या पागल हो गए हो? उसको दो बार किस करता है और दोनों बार उसको थप्पड़ मारती बॉडी गार्ड इसको हटा देता है वहाँ से जी उसे पूरा कोशिश करता है उसको याद दिलाने के लिए तियान वहाँ से चली जाती है वो वांग से बोलती है की मैं सब कुछ याद करना चाहती वांग उसे मना करता है पर तो उसको मना करने के बावजूद फिर वो ऑर्फेनेस पे जाते हैं वहाँ पे उसको कुछ याद नहीं आता है डायरेक्टर तियन को बोलते हैं कि जिनके की वजह से ये ऑर्फिन काफी अच्छे चल रहा है इनने बहुत ज्यादा डोनेशन दिया है इस ऑर्फिनेज के लिए जिनको जब पता चलता है तो मिलने के लिए वहाँ पे जाता है पर वु आंग जिंग को तियान से मिलने के लिए नहीं देता है जिंग बोलता है तुम मुझे तियान से मिलने क्यों नहीं दे रहे हो तुमको डर लगता है अगर उसको याद आ गया सब कुछ तो तुम्हारे साथ लंदन नहीं जाएगी वांग बोलता है तुम यहाँ से जाओ तो जिंग बोलता है की मुझे कुछ भी करना पड़े मैं त्यन से मिल के रहूंगा तो बोलता है चलो हम लोग सख्त लगा आते हैं अगर मैं हार गया तो मैं तियान से कभी नहीं मिलूंगा यह बात तियान को बताता है और बोलता है कि अगर तुमको जिन से मिलकर मेमोरी वापस नहीं आए तो वो कभी हम लोग को परेशान नहीं करेगा हुआ बोलता है तियान से अगर वो ये जीत गया तो फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा फिर तियान अपना पुराना वाला घर जाती है वहाँ पे वो नोट देखती है जो उसका फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो लिखी थी वो नोट को देखकर तियान को सब बात याद आ जाता है वो जिंग को कॉल करती है और मिलने आने के लिए मना करती है बिकॉज तियान पर का बॉडीगार्ड पर नजर रखे हुए थे नेक्स्ट डे तियान अपनी मॉम के ग्रेप पर जाती है और उनके साथ बहुत सारा बॉडीगार्ड भी जाते हैं और वो उनसे कहती है टेन मिनट की दूरी पर रहने के लिए थोड़ी देर बाद बॉडी देखते की तियान वहाँ से भाग रही है तो उनके पीछा पड़ जाता है जब उसको पकड़ते है तब उन्हें पता चलता है की तियान नहीं सियाम है जियान ने तियान को हेल्प की जिन से मिलने के लिए इधर तियान जिन से मिलती और खुशी से हक कर लेती है चाह पे तियान जिया को बताती है कि वो चेयरमैन नहीं बनना चाहती है वो वह खुशी से वो उसके साथ रहना चाहती है तो खुशी से तियान को वो अपने साथ लेकर जाता है फाइनली वो दोनों खुशी के साथ अपना जिंदगी अच्छे से जीने लग और ये वाला हमारी कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ नहीं खत्म हो जाती है सीजन वन एंड सीजन टू दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया थैंक यू सो मच अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट भी करें